देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। अग्निपथ पर नवगछिया में बवाल, पुलिस के साथ धक्का मुक्की व फायरिंग, जान बचाकर भागे चोटिल एसडीएम व एसडीपीओ, कई जख्मी। प्रदर्शनकारियों ने ईटा पत्थर से पुलिस कर्मियों पर किया हमला, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 8 चक्र चलाई गोली। एसपी सुशांत सरोज ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे उपद्रवी। नवगछिया सेना की बहाली को लेकर नई स्कीम अग्निपथ को लेकर पूरे सूबे में बवाल मचा हुआ है। वहीं अग्निपथ को लेकर नवगछिया में भी 3 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। नवगछिया अनुमंडल के 3 स्थानों में क्रमशः नारायणपुर, खरी के एवं रंगरा में छात्र विरोध प्रदर्शन करते समय आक्रामक मूड में आ गए और पुलिस जवानों पर भी जमकर पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी से नवगछिया पुलिस के कई जवान सहित एसडीएम यतेंद्र कुमार पाल, एसडीपीओ दिलीप कुमार सहित कई पुलिसकर्मी खरीक चौक पर हुए पत्थरबाजी में घायल व चोटिल हो गए। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों स्थल प्रदर्शनकारी उपद्रवी विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, जिनमें से खरीक चौक पर विरोध कर रहे छात्र काफी आक्रामक हो गए और उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। छात्रों द्वारा पुलिस पर जमकर पत्थर फेंके गए व खदेड़ा गया। अपनी जान बचाने के लिए पुलिस ने कई राउंड फायरिंग भी की है। वही नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना छात्रों को काफी महंगा पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, सबका वीडियोग्राफी करवाया गया है, उन्हें खोजकर एक एक कर जेल भेजा जाएगा। नवगछिया एसपी ने उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनको यह आंदोलन काफी महंगा पड़ेगा। साथ ही एसी सुशांत कुमार सरोज ने कहा, सभी उपद्रवियों को की वीडियोग्राफी कर ली गई है, एक एक कर सबों को जेल भेजा जाएगा। कि आज भी 3-4 जगह पे, जैसे नारायणपुर स्टेशन पे और खड़ी के स्टेशन पे, 2 जगह ये लड़के सब आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी देर रहे भी है ना, लेकिन यहाँ से शांतिपूर्ण डिस्पर्स करा दिया गया था। एसडीपीओ और एसडीओ साहब थे, बीडीओ साहब थे, थाना अध्यक्ष, काफ़ी पुलिस की कटौती की गई थी। यहाँ से जाने के बाद खड़ी चौक से जो लड़के वापस जा रहे थे, अचानक वो लोग उपद्रव करने लगे और उन्होंने काफ़ी जो है ईटा पथराव काफ़ी किया। उस ईटा पथराव में 3-4 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त भी हो गए, एसडीपीओ और अन्य कई पदाधिकारी जख्मी हो गए और काफ़ी लोग क्लोज में आकर के पथराव, भारी पथराव किया। ये अब देखने वाली बात है कि इतना ईटा पत्थर वहाँ आसपास में कैसे आ गया। हम लोग वो अनुसंधान करेंगे, हम लोग चिन्हित करेंगे, हमों का वीडियोग्राफी कराया गया है। ये आया चल पता लगे लोकल लड़के से बताया कि नहीं थे, आसपास के गांव से लोग आए हुए थे, लोग पहचान करेंगे, हम लोग तैयार करेंगे, हम लोग चार्जशीट करेंगे, एसपीजी ट्रायल करेंगे, ताकि वो फिर आगे ऐसी वो हिम्मत ना करे, विधि व्यवस्था से बिगाड़ने की कोशिश। अगजनी भी हुआ था क्या, उससे कोई नुकसान? अगजनी नहीं, वो अगजनी की वो जो टायर लगा के जो रोड पे रख के जाम करता है वो यहाँ पे क्या था, वो तो वो मामूली था। सर पुलिस की तरफ से कितनी राउंड फायरिंग की गई? हाँ देखिए, जब पब्लिक जब पूरा इतना पथराव करना शुरू कर दिया कि अब लगा कि कई पुलिस जख्मी हो गए, अंतिम में फिर जो है 5 से 6 राउंड है ना फायर किया, हवाई राउंड फायर किया गया ताकि उपद्रवी वहाँ से भाग जाए। और जख्मी होने के बाद ये डर था कि कोई पुलिस जो है फायर ना खोल दे, उससे तो बड़ी घटना घट जाती। लेकिन यहाँ पर जो भी लोकल पदाधिकारी हमारे थे, एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब, सभी प्रखंड का पदाधिकारी, थाना प्रभारी, सभी ने सूझबूझ से काम लिया ताकि बड़े हादसे को टालते हुए छोटे रूप में 5-6 राउंड फायर किया ताकि वो जो उपद्रवी हैं वो यहाँ से भाग। क्या पुलिस बल कम था क्या सर यहाँ पे? पर्याप्त बल, आप भी यहाँ आए होंगे, आपने यहाँ देखा होगा, काफ़ी बल था, बहुत बल था, पर्याप्त। सर क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से? फिर मैं अपील करना चाहूँगा।
श्याम सिंह की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे आप लोकल टीवी न्यूज के साथ। सब पर नजर, सब की खबर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सब की खबर।